वेलकम टू दी अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं घर छोटा हो या बड़ा, अगर घर में मिठास ना हो ना तो कीड़ियाँ तक नहीं आती हैं। अब मेरे घर में तो कीड़ियाँ पता नहीं कहाँ से इतनी आ रही हैं। ये देखें कितनी सारी कीड़ियाँ हैं जो कि एक लाइन से ही जा रही हैं, और इतनी बड़ी लाइन इन्होंने बनाई हुई है, नीचे तक जाती हैं। ये नीचे तक की रो है, फिर यहीं से वापस ऊपर आती हैं। ये देखें ये नीचे गई और यहाँ से वापस ऊपर आती हैं और वो कोने तक जाती हैं। बाय द वे आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। मुझे बनानी थी गोभी, इसके लिए मैंने फ्राई पैन में ले लिया था और उसमें डाला था ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको, ऑयल डालने के बाद जो गोभी मैंने ली थी ना वो मैंने अच्छी तरह धो के, धोने के बाद छोटे छोटे पीस करके, पीस करने के बाद फिर उसको ड्राई करने रख दिया था। फिर जब ऑयल डाला मैंने तो उसमें कटी हुई गोभी भी डाल ली और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो है वो लाल होने के लिए रख दिया था अच्छी तरह, ताकि ये भुन जाए तेल के अंदर। तो ये बन रही है, इसका अपन करते हैं वेट। दस मिनट के बाद ये अच्छी तरह जो है वो रेड हो गई थी, तो मैंने इसमें आलू डाल लिए थे जो मैंने पहले से काट के रखे हुए थे। आलू डालने के बाद भी मैंने इसको मिक्स कर दिया था। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गए तो गोभी को मैंने एक साइड पे कर दिया, थोड़ी सी फ्राई पैन में जगह बना ली थी, क्योंकि मैंने जो टमाटर पहले से काट के रखे हुए थे वो मुझे इसमें डालने थे, ताकि एक तरफ गोभी लाल हो जाएगी तो दूसरी तरफ टमाटर भी हो जाएंगे। ये मैंने जगह कर ली है टमाटर के लिए, अब मैं इसमें टमाटर डालूँ। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल दोबारा डाला था, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा डाला था तो इसमें ज़रूरत थी, तो थोड़ा ऑयल मैंने दोबारा डाल दिया। इसको मैंने फिर कवर कर दिया थोड़ी देर के। पाँच मिनट कवर करने के बाद मैंने देखा तो टमाटर जो है वो अच्छी तरह हो गए थे, और मसाले वगैरह जो मैंने इसके स्पाइसेस निकाल के रखे थे अलग से, वो मुझे अब इसमें डालने थे। पहले मैंने इसमें डाल दिया था नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसमें लिया था पिसा हुआ गरम मसाला, ये डाल दिया। फिर मैंने लिया था वो पिसे हुए धाने, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। पिसे हुए धाने डालने के बाद फिर जो है ना इसमें मैंने हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था। फिर इसके बाद मुझे डालनी थी लाल मिर्च पिसी हुई, जो कि मैंने अपने हिसाब से डाली थी, 3 टेबल स्पून डाली थी मैंने इसमें। और फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। यहाँ पर इब्राहिम इस्माइल दोनों स्कूल वगैरह का काम करके, मदरसा वगैरह पढ़ के फ्री होकर दोनों सारे काम से और क्ले वगैरह से खेल रहे थे। इतनी देर में मैंने कहा खाना भी बन जाएगा। ये लोग वैसे गोभी वगैरह सालन वगैरह नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मैंने कुछ और बनाना था। मैंने कहा पहले गोभी बन जाए, इसके बाद फिर मैं कुछ और बनाऊँगी। किचन में आकर देखा तो गोभी तकरीबन रेडी हो चुकी थी, बस 5 से 10 मिनट हल्की आँच पर रखने के बाद ये रेडी हो जाती। मेरे बच्चे जो है मैंने बताया गोभी नहीं खाते, तो मैं इनके लिए जो है वो अंडा बना रही थी। अंडा और घर की रोटी ये लोग शौक से खा लेते हैं, तो मैंने कहा इनको अंडा बना देती हूँ। अंडा जो मैंने वो बीट कर लिया और फिर इनके लिए मैंने अंडा बनाया था जो मैं अब बनाऊँगी। फाइनली इनका अंडा जो है वो फ्राई हो गया था और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी, क्योंकि इतना स्पाइसी भी नहीं खाते दोनों। साथ साथ मैंने जो है ना ये तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे इन दोनों के लिए रोटी बनानी थी। ये देखें यहाँ पर तवा भी मैंने साइड पर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है बच्चों के लिए। पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना वगैरह खा कर बच्चों को जैसे मैंने फ्री कर दिया था खाना वगैरह खिला कर, फिर इसके बाद हम लोग गए बाल कटवाने के लिए, क्योंकि ना
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बाल इनके कटे नहीं थे और इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं देखें। और स्कूल से भी कंप्लेन आती, इससे बेहतर था कि पहले हम बाल कटवा लेते। तो मैंने अपने भाई के बेटे को बुलवाया और उसके साथ में गई थी बाल कटवाने के लिए। घर के पास ही है, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए बाल कटवाने के लिए। यहाँ पर हम लोग आ गए बाल कटवाने के लिए। इसने ना हेयर स्टाइल ये वाला पसंद करा था, अब ये ना आपको दिखाएंगे। इब्राहिम ने ये वाला हेयर स्टाइल पसंद करा था, और जो इब्राहिम ने हेयर स्टाइल पसंद करा ना, वही इस्माइल ने हेयर स्टाइल पसंद करा। बहरहाल दोनों की कटिंग हो गई थी शुरू और बाल कट रहे थे। यहाँ बैठे बैठे मैं और मेरे भाई का बेटा बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ही हमें 11 बज गए थे। इतनी लेट हो गई थी, रात के 11 हो गए थे। मैंने कहा जल्दी से इनकी बालों की कटिंग हो तो हम घर की तरफ चल दें। बहरहाल इब्राहिम की कटिंग तो होने ही वाली थी, इस्माइल की फिर भी काफ़ी अच्छी खासी रहती थी। एनीवेज हम लोग इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, इसी तरह हमारा टाइम पास हो रहा था। कटिंग फाइनल हो गई थी, इस्माइल जो है वो अभी भी कटिंग करवा रहा था और उसको रोना आ रहा था, रोना शुरू हो गया था। शायद इसको ये दुख हो गया कि मेरे भाई की कटिंग अकेले हो गई और मेरी नहीं हुई, इस वजह से शायद ये रो रहा था। बहरहाल इसने रोते रोते भी बाल कटवा दिए। दोनों की कटिंग फाइनल हो गई और हम लोग घर पे आ गए। दोनों को निधा भी दिया मैंने, दोनों फ्रेश हो गए थे और गेमिंग खेल रहे थे अपने मोबाइलों में। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।